आठ का दो देखिए, आठ का जो दो नंबर का सवाल है यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से, और इस सारणिक का जो मान है इतना ज्ञात करना है, यानी यहाँ पर आपको जो है सिद्ध करना है, प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ए माइनस बी है, ए माइनस बी, और उसके बाद बी माइनस सी है, और सी माइनस ए है, उसके बाद ए बी सी है। तो देखिए अगर हम ये आर वन हो गया, ये आर टू और ये आर थ्री हो गया, अगर आर वन में से आर टू को घटाएंगे तो वन माइनस ए हो जाएगा, तो यहाँ पर वन माइनस ए तो पुराना ही नहीं है, इसलिए हम किसके, देखिए एक में से को घटाए जीरो, ए में से बी को घटाएंगे तो ए माइनस बी, तो ए माइनस बी मेरा क्या होता है, पुर गया ना। अब देखो फिर क्या पुराना है, बी माइनस सी, तो यानी बी में से सी घटेगा, तो ये जो बी है किस कॉलम में है, सी टू में, सी टू में दूसरा कॉलम में, ये जो सी है किस कॉलम में है, तीसरा कॉलम में, तो इसलिए अप्लाई जो हम करेंगे सी वन में अप्लाई किस प्रकार से करेंगे, सी वन माइनस सी टू के रूप में, और इसमें जो हम अप्लाई करेंगे किस प्रकार से करेंगे, सी टू माइनस सी थ्री के रूप में। अब देखिए इसको, इससे देखो सी वन और सी टू में अप्लाई हुआ है, तो एक में से एक को घटाओगे क्या होगा, जीरो, जीरो। ए में से बी को घटाओगे तो क्या होगा, ए माइनस बी, ए क्यू माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी क्यू। फिर देखो सी टू में अप्लाई कैसे हुआ, सी टू यानी इस पूरे एलिमेंट में सी टू माइनस सी थ्री, तो एक में से एक गया क्या हो गया, जीरो, जीरो। बी में से सी घटेगा तो क्या होगा, बी माइनस सी, बी क्यू माइनस क्या होगा, बी क्यू माइनस सी क्यू, सी क्यू हो गया ना। अब देखो सी थ्री में कुछ भी नहीं किए हैं तो ई एलिमेंट जो है ना सेम ही रह जाएगा, ऐसे उतर गया ना जी। अब देखो अब क्या करना है, प्रसरण कर दो, अब क्या करोगे, प्रसरण। अब ये जो वन है तो आर वन के अनुदिश प्रसरण करने पर, समझ गया ना, एक्सपेंडिंग अलोंग आर वन, क्यों, अगर इसके अनुदिश हम प्रसरण करेंगे तो ई एलिमेंट, ई एलिमेंट क्या है, जीरो है, ई एलिमेंट, ई एलिमेंट क्या है, जीरो, जीरो है। तो यहाँ पर लिख सकते हो एक्सपेंडिंग अलोंग आर वन, किसके अनुदिश प्रसरण करेगा, आर वन के अनुदिश। तो देखिए तो ई मान इमान तो जीरो हुए है जी। सिर्फ एक का ही ना करना है प्रसरण जी, यहाँ पर देखो एक लिए तो ये खत्म हो गया, एक के सामने का ये एलिमेंट खत्म, इस सामने का एलिमेंट खत्म, तो यहाँ पर क्या बचा, ए माइनस बी, बी माइनस सी, बी माइनस सी, ए क्यू माइनस बी क्यू, अब बी क्यू अब माइनस सी क्यू, सी क्यू, ये ऐसे होगा ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो ये ए माइनस, अब एक से गुना करेगा तो उतना ही होगा जी। ये ए माइनस बी है ना, ए माइनस यहाँ पर बी लिख दिए, फिर बी माइनस सी है तो यहाँ पर क्या करोगे, बी माइनस सी, फिर ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या फॉर्मूला होता है, होता है ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी, प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर। अब देखिए बी क्यू माइनस सी क्यू का फॉर्मूला क्या होगा, बी माइनस सी, देखो बी क्यू माइनस सी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए के स्थान पर बी है, बी के स्थान पर क्या है, सी, तो सेम है ना बैठेगा जी, तो बी स्क्वायर प्लस क्या होगा, बी सी, प्लस क्या हो गया, सी स्क्वायर। अगर नहीं समझ रहा है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला है याद कर लो, बी क्यू माइनस सी क्यू का ये क्या हो गया, फॉर्मूला। अब देखो तो ये हो गया आपका सी वन, ये हो गया जी। तो ए माइनस बी यहाँ पर भी है और ए माइनस बी यहाँ पर भी है, तो कॉमन निकल आएगा सी वन से जी। इस सी टू से क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ पर सीधा सीधे में लिख दो, सी टू से क्या कॉमन निकलेगा, बी माइनस सी, क्योंकि बी माइनस सी यहाँ पर भी है और बी माइनस सी यहाँ पर भी है, तो कॉमन निकल के आ जाएगा जी। चलिए कॉमन हम निकाल लेते हैं, तो क्या होगा, ए माइनस बी और बी माइनस सी, सी कॉमन निकाल लिए। निकालने के पश्चात क्या बचा, तो देखो जहां पर ए माइनस बी था वहां पर क्या बचा, एक, और उसके बाद क्या बचेगा, ए स्क्वायर जोर ए बी, ए बी जोर बी स्क्वायर,
और यहाँ पर भी एक बचेगा बी स्क्वायर प्लस बी सी जोर सी स्क्वायर, ये बचेगा ना जी। अब क्या करो, फिर दाहिने तरफ से हम क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, इसको इसमें गुना कर दो, इसको इसमें गुना कर दो, तो ए माइनस क्या हो गया बी, बी माइनस क्या हो गया सी। फिर देखो आप लोग कॉपी पर लिखते चलिए, एक से इसमें गुना करेगा तो उतना ही ना होगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर क्या होता है माइनस माइनस, इसको एक से गुना करेगा तो उतना ही मान होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी माइनस क्या होगा बी स्क्वायर, माइनस से जो गुना हुआ है सब प्लस को क्या कर देगा माइनस माइनस, तो ए माइनस क्या हो गया बी, बी माइनस क्या हो गया सी। अब देखिए तो कटेगा भी कोई मान, यहाँ पर देख लो कोई मान कटेगा भी, ये बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो गया ना जी। अब आपका यहाँ पर क्या बचा, ये बी सी, अब देखो ये इसको जो है ना एक जगह कर लो, इसको यहाँ पर रख लेते हैं माइनस ये भी, फिर ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस दो, अब इस सी स्क्वायर को लिख लेते हैं माइनस ए स्क्वायर हो गया ना जी। अब देखो ए माइनस बी, बी माइनस सी, अब देखो यहाँ पर भी बी है यहाँ पर भी बी है, कॉमन ले लेंगे जी, तो सी माइनस क्या हो जाएगा ये, अब देखिए सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर है तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए, कौन फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है जी। तो ए माइनस क्या हो गया बी, बी माइनस क्या हो गया सी, अब देखो सी माइनस ए यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, कॉमन आ गया सी माइनस ए, अब देखो यहाँ पर क्या बचा बी, अब देखो सी माइनस तो निकाल ही लिए हैं तो सी प्लस क्या हो गया ए, तो ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ए प्लस बी प्लस सी, तो यही ना प्रूव्ड करना था, कहाँ पर दिक्कत है। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर है क्या नौ नंबर का सवाल एक्स वाई जेड, यहाँ पर आप सवाल को पढ़ सकते हैं जो सवाल है, और सिद्ध करना है आपको x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये आपको क्या करना है प्रूफ करना है। अब देखिए तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे प्रूफ, और LHS लिख दिए। अब देखिए x माइनस वाई ना है जी, तो x में से क्या करना पड़ेगा y को घटाना पड़ेगा, तो देखिए ये R1 हो गया ऐसे ऐसे चलेंगे जी, ये क्या हो गया R2, तो R1 में जो आप परिवर्तन कैसे करोगे R1 माइनस R2, यानी अप्लाई आप करोगे ऐसे, एंड अब देखो वाई जेड भी ना पुराना है तो y में से क्या करना पड़ेगा जेड को घटाना पड़ेगा, तो ये y क्या है R2, और ये जेड क्या है R3, R3 है, तो R2 में कैसे परिवर्तन करोगे R2 माइनस R3 करोगे ना, ऐसे किया करने के पश्चात देखो तो x माइनस क्या हो जाएगा y हो जाएगा ना, x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अब देखो वाई जेड अब माइनस क्या होगा जेड x, फिर y में से क्या घटेगा y माइनस जेड जेड, अब देखो y स्क्वायर में से फिर क्या घटेगा y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर फिर जेड x क्या होगा जेड x माइनस एक्स वाई ये हो गया ना। अब देखो R1 और R2 में ना परिवर्तन किए हैं जी, R3 में कोई परिवर्तन किए हैं नहीं, तो इसके एलिमेंट को जो है सेम ही रखना है ऐसे सेम ही रख दिए, रखने के पश्चात अब देखिए तो एक्स वाई पहले हम बढ़िया सजा लेते हैं, अब माने निकाल लेते हैं थोड़ा सा और इजी हो जाएगा, देखो इसमें से यहाँ पर नहीं कुछ एक्स वाई है ना जी, नहीं कुछ गुना है तो क्या गुना है एक एक्स माइनस वाई कॉमन आ गया जी,
इसमें से एक्स माइनस वाई कॉमन लेंगे, एक्स माइनस वाई बन जाएगा, ये वन हो गया। देखो इसमें से एक्स माइनस वाई कॉमन लेंगे तो माइनस एक्स माइनस वाई, ये ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर है ना जी। तो एक्स माइनस वाई निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई बचेगा। अब देखो ये जेड यहाँ पर भी है, जेड यहाँ पर भी है, तो जेड कॉमन लेगा, जेड क्या करेगा कॉमन लेंगे, कॉमन लेगा तो क्या बचेगा वाई माइनस एक्स। अब देखो वाई माइनस एक्स लेकिन हम निकाल क्या रहे हैं, एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पर लेकिन उल्टा हो रहा है वाई माइनस एक्स, इसलिए एक्स माइनस वाई जब निकालेगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा माइनस जेड। यानी संख्या अगर उल्टा हो और उस संख्या को निकाल रहे तो उस संख्या में क्या लगा देना है माइनस। अब देखो इसमें से y माइनस जेड निकल जाएगा, ये पूरे में से क्या निकल जाएगा y माइनस जेड, तो यहाँ पर y माइनस जेड ये इंटू एम है। अब देखिए यहाँ पर क्या बचेगा वन, यहाँ पर y प्लस जेड, इसमें से देखो x ना कॉमन निकलेगा लेकिन z माइनस क्या हो रहा है y, उल्टा हो रहा है, हम निकाले क्या है y माइनस जेड ना, तो यहाँ पर क्या लगेगा बोलो तो माइनस x, माइनस x, फिर ये जेड हो गया जेड स्क्वायर एक्स वाई, ये हो गया जी। अब देखो अब क्या करना है, तो ये आपको y x माइनस वाई वाई माइनस जेड पूर्ण चुका है जी। अब पुराना क्या है जेड माइनस एक्स, क्या पुराना है जेड माइनस एक्स। देखो जेड माइनस एक्स कैसे पूरेगा, जेड माइनस एक्स कैसे पूरेगा, तो हम क्या करते हैं, अगर हम ये देखो इसमें से इसको घटाते हैं तो y और y कट जाएगा जी, जेड माइनस क्या बचेगा x, नहीं बचेगा जी। इसमें अप्लाई कर देते हैं अप्लाई, अच्छा ऐसे ही कर देते हैं r1 वन टेंस टू आर वन माइनस आर टू कर दिए। अब देखो एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, ये जो दो मान है यहाँ पर लिख देगा जी, सारणिक का चिन्ह देगा, वन में से वन घटा क्या बचा जीरो, जीरो। अब देखो एक्स प्लस वाई में से ई घटेगा तो वाई एक्स प्लस क्या हो गया वाई माइनस क्या होगा वाई माइनस जेड। अब देखो माइनस जेड यहाँ पर माइनस होगा, ई माइनस क्या है एक्स है ना, तो प्लस क्या हो जाएगा एक्स। यहाँ पर ध्यान देना है आर वन में से आर टू घटा रहे, यानी इसमें से इसको, इसमें से इसको, इसमें से इसको घटा रहे। फिर देखो वन जेड हो गया ना, वाई प्लस जेड, ये जेड स्क्वायर माइनस एक्स, ये क्या हो गया एक्स वाई, वाई और वाई क्या हो गया कैंसिल हो गया ना, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड। अब यहाँ पर देखो ये एक्स माइनस क्या है जेड ना, एक्स माइनस क्या है जेड, लेकिन तुमको निकालना क्या है जेड माइनस एक्स निकालना है, जीरो वन जेड। अब देखो तो यहाँ पर x माइनस जेड है लेकिन जेड माइनस एक्स निकाले तो क्या होगा माइनस एक नहीं होगा, अगर सीधा निकल जाता है तो प्लस में रहेगा, अगर उल्टा निकाल रहे हो मतलब संख्या को उलट रहे हो तो क्या हो जाएगा माइनस, अगर माइनस लगा हुआ है तब। अब इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं किए हैं तो y प्लस जेड होगा ही, और ये जो माइनस यहाँ पर देखो x माइनस जेड तो है ही है जी, तो यहाँ पर प्लस एक होगा, यहाँ पर क्या होगा माइनस एक्स, ये क्या हो गया जेड स्क्वायर, ये एक्स वाई है ना, तो यहाँ पर क्या होगा एक्स वाई, ये हो गया ना जी। अब आपको क्या करना है, हम क्या करते हैं कि इसको और इसको जोड़ देते हैं, इसको इसको हम क्या करते हैं जोड़ते हैं, जोड़ देते हैं, या नहीं तो आप प्रसरण भी एक्सपेंडिंग कर सकते हो। अब यहां पर आप देखिए इसमें हम करेंगे परिवर्तन क्या, जैसे C2 में परिवर्तन करेंगे तो यहां पर हमको क्या पुराना है जीरो पुराना है, क्या पुराना है जीरो, तो C2 में हमको क्या करना है परिवर्तन करना है, किसमें परिवर्तन करना है C2 में, C2 में।
तो देखो, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि निकाल लिए। तो परिवर्तन इस प्रकार से करेंगे, C2 में हेस में परिवर्तन करेंगे, C2 अटेंड्स टू क्या हो गया, C2 अब माइनस C3, C3 तो आपको C2 ये हो गया, C2 ये और C3 ये हो गया। अब देखिए सिर्फ C2 में परिवर्तन कर रहे हैं, तो ये जो पूरा मान है इसको हम हुबहू, ये पूरे मान को हम यहाँ पर हुबहू क्या करेंगे, रख दिए हैं। अब ये है तो यहाँ पर ये दिए, अब देखो ये जो पूरा मान है यहाँ पर हम रख दिए। अब परिवर्तन किस में हो रहा है, C2 में ना, तो C2 ये पूरा मान होता है, किससे परिवर्तन होता है, तो C2 में से C3 घट रहा है, यानी इस मान में से यह मान घटेगा, घटेगा ना, तो ई माइनस वन हो गया। अब देखो यहाँ पर माइनस होता है ना, ई माइनस एक है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस एक हो गया। अब उसके बाद देखो फिर इस मान में से यह मान घटेगा, तो ये वाई प्लस जेड, यहाँ पर वाई प्लस जेड हो गया ना। अब देखो ई माइनस एक्स घटेगा ना जी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स हो गया ना। अब फिर देखो जेड स्क्वायर में से क्या घटेगा, एक्स वाई, क्योंकि सी टू माइनस क्या होता है, सी थ्री, इस मान में से इस मान को घटा दो तो जेड स्क्वायर माइनस क्या होगा, एक्स वाई। अब देखो ये एक्स वाई है ना, तो यहाँ पर क्या कर दो, एक्स वाई, मतलब ये जो सी थ्री में कोई परिवर्तन नहीं है ना किए हैं, तो ये पूरे मान को यहाँ पर आप क्या करोगे, उतार दोगे, उतार दिए हैं। उतारने के पश्चात देखो तो ई मान जो है पूरा, जब तक क्रिया नहीं हो जाए तब तक तो नीचे उतारते ही जाओगे, तो ये देखो अभी कोनो परिवर्तन किए हैं, ये पूरे मान को यहाँ पर रख दो, माइनस एक में प्लस एक जोड़ेगा क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो। ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पर हो गया, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई यहाँ पर हो गया, ई माइनस वन यहाँ पर, ई माइनस एक्स यहाँ पर, ई एक्स वाई है तो यहाँ पर क्या हो गया, एक्स वाई हो गया ना। अब देखो अब हम क्या करते हैं कि प्रसरण कर देते हैं, समझ गया ना, एक्सपेंडिंग कर देते हैं, किसके अनुदेश एक्सपेंडिंग कर देते हैं, तो देखो अगर हम इधर एक्सपेंडिंग करते हैं तो एक और जेड दोनों का एकदम क्रिया करना होगा जी। करना होगा, अगर इधर भी करते हैं तो इसका और इसका भी क्रिया करना होगा, इधर करते हैं इधर तो तीन गो है एलिमेंट, यानी तीनों का क्रिया करना होगा जी। तो इधर तो सबसे ज्यादा लफड़ा फंसाएगा। अगर हम आर वन के अनुदिश एक्सपेंडिंग करते हैं, आर वन के अनुदिश, तो देखो एगो और दो को एलिमेंट तो जीरो ही है ऑलरेडी, सिर्फ एक के गो एलिमेंट का ना क्रिया करना होगा। तो देखो ऐसे माइनस वन लिया, देखो माइनस वन ले लिए ना, तो ई खत्म हो गया सामने का, ई खत्म हो गया, तो यही ना चार को एलिमेंट बचा। तो देखो दाहिने तरफ से हम गुना करते हैं, इसको जो है कि एक से गुना करेगा, इसको क्या करेगा, एक से गुना, तो क्या होगा, देखो जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, आ फिर देखो जेड को इससे ना गुना करेगा, तो यहाँ पर सूत्र से क्या होता है, माइनस, तो देखो जेड गुना एक्स क्या हो गया, जेड एक्स, जेड गुना वाई तो क्या हो गया, माइनस जेड वाई हो गया ना। उसके बाद देखो जेड गुना जेड तो क्या हो गया, जेड स्क्वायर, सब में माइनस क्यों लग गया, क्योंकि सूत्र से सब में माइनस गुना हो रहा है, आ चूंकि सब संख्या प्लस में है तो माइनस तो लगेगा ही। अब उसके बाद देखो तो इसमें देखो जेड स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर आपस में क्या होगा, कैंसिल हो गया ना, कैंसिल हो गया। अब देखो एक्स माइनस वाई है तो एक्स माइनस वाई हो गया, वाई माइनस जेड ई हो गया, जेड माइनस एक्स ई हो गया। अब ई माइनस एक है ना, तो माइनस एक से इस सब में गुना कर दो, ई माइनस इस माइनस से गुना होगा तो क्या हो गया, प्लस, ई माइनस इस माइनस से गुना हो गया तो क्या हो गया, प्लस, इस माइनस को इस माइनस से गुना किया तो क्या हो गया, प्लस। तो देखो प्रूव्ड हो गया कि नहीं हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 के एक में है, देखिए ये सवाल है आपका, एक्स प्लस फोर टू एक्स, टू एक्स है, टू एक्स एक्स प्लस फोर, टू एक्स टू एक्स टू एक्स एक्स प्लस फोर। तो यहाँ पर सिद्ध करना है फाइव एक्स प्लस फोर इंटू फोर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो पांच एक्स प्लस क्या करना है, चार ना पुराना है। तो देखो इधर अगर आप C1 C2 और C3 तीनों को जोड़ो या R1 R2 R3 को जोड़ो, तो किसी भी प्रकार से आप बना सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि हम R1 R1 R2 और R3 को जोड़ते हैं, तो X
एक गो एक्स, दो गो एक्स, क्या हो गया, तीन गो एक्स, फिर तीन गो एक्स में दो गो एक्स जोड़ेगा तो पांच एक्स हो गया ना, और प्लस जी फोर्थ होगा ही ना, ऐसे करके भी जोड़ो तो एक एक्स दो दूनी चार एक पांच एक्स प्लस फोर फोर गया ना। तो आप जो है कि अप्लाई आर वन के अनुदिश करो, देखो आर वन आर टू आर थ्री को जोड़ो या सी वन सी टू सी थ्री को जोड़ो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, मान दोनों से पूरेगा। तो हम क्या किए कि अप्लाई कर रहे हैं आर वन में आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, यानी आर वन आर टू और आर थ्री को हम जोड़ रहे हैं। तो देखो एक एक्स दो एक्स तीन एक्स दो पांच एक्स हो गया ना, पांच एक्स जोड़ चार, सिर्फ परिवर्तन किस में हो रहा है, आर वन में ना, आर वन ये पूरा एलिमेंट हुआ, आर वन ये पूरा एलिमेंट हुआ, तो सिर्फ जो है कि इसी का संख्या ऊपरले वाला चेंज होगा। तो यहाँ पर भी पांच एक्स जोड़ क्या होगा चार, यहाँ पर भी क्या होगा जोड़ो ना इसको, पांच एक्स जोड़ चार ही होगा जी। अब रेस्ट में तो कुछ नहीं किए हैं, तो देखो ये टू एक्स यहाँ पर हो गया, ये टू एक्स यहाँ पर हो गया, एक्स प्लस फोर यहाँ पर हो गया, ये टू एक्स यहाँ पर हो गया, ये टू एक्स यहाँ पर, ये एक्स प्लस फोर यहाँ पर, इसमें कोई क्रिया हम नहीं किए। अब देखिए आर वन से ये आपका हो गया आर वन से पांच एक्स प्लस चार, क्या करोगे कॉमन ले लोगे, नहीं कॉमन ले लोगे, देखो आर वन सब में है ना, तो कॉमन आएगा कि नहीं आएगा, जो सब जगह होता है वो क्या होता है कॉमन आता है, तो कॉमन यहाँ पर से पांच एक्स जोड़ चार निकाल लोगे, नहीं कुछ गुना है तो क्या गुना है, एक है ना, तो यहाँ पर क्या बचेगा वन, यहाँ से भी निकाल लिया क्या बचा वन, यहाँ से भी निकाल लिया क्या बचा वन बचा ना, और रेस्ट में तो कॉमन आने वाला नहीं है ना है, तो ये जो है दो दो चार दो छह संख्या ये ऐसे उतर जाएगा ना अपने अनुसार जी। अपने संगत। अब देखो इसमें क्रिया कैसे करोगे, तो एक यहाँ पर भी है एक यहाँ पर भी है, अगर एक में से एक को घटा देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जीरो, फिर इस एक में से इस एक को घटा देंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा जीरो। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि दो गो एलिमेंट जीरो हो जाएगा ना, तो दो गो एलिमेंट का क्रिया नहीं करना होगा, नहीं करना होगा, ऐसा इसलिए हम कर रहे हैं। तो देखो अप्लाई किस में करेंगे, अप्लाई हम करेंगे सी वन में, किस में करेंगे सी वन में अप्लाई हम करेंगे। तो देखिए सी वन में जब हम अप्लाई करेंगे किस प्रकार से, तो सी वन माइनस सी टू, यानी एक में से एक को घटाओगे जीरो हो गया, और टू एक्स में से एक्स प्लस फोर को घटाओगे, टू एक्स में से किसको घटा रहे हैं एक्स प्लस फोर को, तो देखो टू एक्स में से इसको एकदम घटाएगा तो माइनस एक्स होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस फोर, तो दो गो एक्स में से एगो एक्स जाएगा, एक्स बचेगा ना, ये प्लस फोर था तो माइनस गुना हुआ तो क्या हो गया माइनस फोर। अब देखो फिर टू एक्स में से टू एक्स घटेगा क्या हो जाएगा जीरो, अब किस में परिवर्तन है सी टू में, तो देखो ये सी टू हो गया, तो इसमें कैसे परिवर्तन है, सी टू में से सी थ्री को हम घटाते हैं, इस प्रकार से ये परिवर्तन है, तो एक में से एक को घटाओगे क्या होगा जीरो, एक्स प्लस फोर में से टू एक्स को घटाओगे, एक्स प्लस फोर में से किसको घटाओगे तो देखो तो ये माइनस टू एक्स हो गया ना जी, तो एक्स में से दो एक्स जाएगा क्या बचेगा माइनस एक्स, देखो दो एक्स में से एक्स थोड़े घट रहा है, एक्स में से दो एक्स घट रहा है तो क्या बचेगा माइनस एक्स, तो ये फोर रहेगा ही, फोर माइनस क्या हो जाएगा एक्स। अब देखो टू एक्स में से इसको घटा रहे हो तो दो एक्स में से ई एक्स घटा तो क्या बचा एक्स, इसमें किससे गुना करोगे माइनस से, तो माइनस क्या हो जाएगा फोर, प्लस फोर प्लस क्यों होगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस फोर होगा, तो यहाँ पर क्या हो गया माइनस फोर। अब इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया, इस संख्या को जो हु बहु ऐसे यहाँ पर उतार देगा, उतर गया जी। उतरने के पश्चात देखो अब प्रसरण किसके अनुदिश करेगा, सी वन सी टू या सी थ्री, किसके अनुदिश करेगा आर वन के अनुदिश करेंगे, क्यों एक एलिमेंट दो एलिमेंट जीरो है, या ऐसे भी करेगा तो दो गो एलिमेंट जीरो है इसके भी अनुदिश कर सकते हो, लेकिन इधर से बढ़िया होगा, चलिए इसके अनुदिश करते हैं, ये खत्म एक लिए जी, ये खत्म और ये खत्म। अब देखिए एक्स माइनस फोर यहाँ पर भी है, एक्स माइनस फोर यहाँ पर भी है, तो ये चारों एलिमेंट इधर खत्म न हो गया, दाहिने तरफ से क्या होता है गुना, तो
एक्स माइनस फोर और एक्स माइनस फोर गुना होगा तो एक्स माइनस फोर का क्या होगा होल स्क्वायर। अब देखो फाइव एक्स प्लस फोर तो है ना गया, एक्स माइनस फोर को हम फोर माइनस एक्स लिख सकते हैं का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है बी माइनस ए का होल स्क्वायर, दोनों का मान क्या होता है सेम होता है। तो एक्स माइनस फोर को हम फोर माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि यही प्रूव करना था फोर माइनस एक्स के रूप में, इसलिए इसको हम इस प्रकार से परिवर्तित किए। अब क्वेश्चन नंबर 10 का दो इस प्रकार से यहाँ पर आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। अब देखिए इनको हमको क्या करना है प्रूव करना है, तो यहाँ पर प्रूफ लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर के स्क्वायर है, थ्री वाई प्लस किया है के है के है, देखो थ्री वाई प्लस के न है जी। देखो सिंपल नियम कुछ है इसमें, जैसे थ्री वाई पुराना है, कैसे थ्री वाई पुराए हुए हैं, तो देखो समझो खेल खेल रहे हैं, अगर देखो वाई जोर वाय तीन गो वाय, या ऐसे चलो वाई जोर वाय तो कितना हो गया तीन गो वाय, तो सी वन सी टू सी थ्री को जोड़ो या आर वन आर टू आर थ्री बस किसी से भी मान निकाल सकते हो आप, सी वन सी टू सी थ्री को भी जोड़ सकते हो, आर वन आर टू आर थ्री को भी जोड़ सकते हो। पुराना है ना, दिमाग लगाओगे कैसे पूरेगा कैसे पूरेगा। तो देखिए हम क्या करते हैं कि अप्लाई करते हैं आर वन में, क्या आर वन आर टू आर थ्री, यानी आर वन में जो चेंजिंग होगा तीनों को जोड़ दो और उस एलिमेंट को लिखते जाओ। तो इसमें हम जोड़े, जोड़ने के पश्चात एगो तक मर 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 होते से अब चलो अब देखो तो आर वन आर टू आर थ्री कर दिए ना, देखो वाई जोर वाय तो क्या हो गया तीन वाय, तीन वाय ये प्लस किया है तो यहाँ पर क्या हो गया प्लस किया, फिर देखो वाई जोर वाय तो क्या हो गया तीन वाय ये प्लस किया है तो प्लस किया हो गया, फिर वाई जोर वाय क्या हो गया तीन वाय ये प्लस किया है तो प्लस किया हो गया ना, तो सिर्फ चेंजिंग आर वन में किए हैं, आर टू और आर थ्री का एलिमेंट हूबहू वैसे ही रख देना, रख देंगे ना। रखने के पश्चात अब देखो ये थ्री वाई प्लस क्या हो गया के, थ्री वाई प्लस के, अब इसमें देखो तो थ्री वाई प्लस के कैसे हो गया, थ्री वाई प्लस के यहाँ पर जो है कि यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो तीनों जगह है तो जो सब जगह हो वो क्या हो जाता है कॉमन, तो आर वन में से जो है थ्री वाई प्लस के कॉमन ले लेंगे, समझ गया ना, आर वन से थ्री वाई प्लस के कॉमन लेने पर, कॉमन लेने पर लिखने का मन है तो लिखो, अन्य तो कोनो बात नहीं है। तो यहाँ से निकाल लिए ना, तो यहाँ से निकल गया तो क्या बचा एक, यहाँ से निकल गया तो क्या बचा एक, यहाँ से निकल गया तो क्या बचा एक। अब देखो तो यहाँ से एक बचा, अब यहाँ पर देखो हम करेंगे क्या कि यहाँ पर जीरो पुराएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे जीरो पुराएंगे, तो एक में से एक गया जीरो, एक में से एक गया क्या बचेगा जीरो जीरो। अब देखो वाई में से इसको घटाओगे तो वाई अब माइनस, इसमें माइनस गुना होगा ना, तो माइनस वाई अब माइनस क्या हो जाएगा के, तो वाई और वाई खत्म, तो क्या बचेगा माइनस के, और वाई में से वाई घटेगा तो क्या हो गया जीरो हो गया ना, फिर वन में से वन घटा तो क्या हो गया जीरो, और वाई जोर के में से वाई घटेगा तो माइनस वाई हो जाएगा, तो ई वाई और ई वाई क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा के, फिर वाई में से ई मान घटेगा, वाई में से ई पूरा मान घटेगा तो माइनस वाई माइनस के, तो वाई वाई क्या हो गया कैंसिल, बचेगा क्या माइनस के, इसमें तो कोई परिवर्तन किए हैं नहीं किए हैं इसमें कोई परिवर्तन, तो नहीं किए हैं परिवर्तन, तो ई एलिमेंट तो हो वो ऐसे न रखा जाएगा जी, तो रखा गया। अब देखो ईमान यहाँ पर उतार दो, उतार दिए, अब वन की आर वन के अनुदिश प्रसरण करेगा, किसके अनुदिश आर वन एक्सपेंडिंग एलोंग आर वन, आर वन के अलोंग क्या करोगे एक्सपेंडिंग करोगे, तो ये मान जीरो है ये भी जीरो है, इन दोनों का क्रिया नहीं करना पड़ेगा, ये वन ये खत्म और ये खत्म, तो माइनस के गुना माइनस के,
प्लस के स्क्वायर, तो क्या हो गया प्लस के स्क्वायर और जीरो गुना किए तो क्या हो गया जीरो, तो के स्क्वायर में से जीरो घटेगा तो क्या बचेगा के स्क्वायर ना, तो यही ना प्रूव करना था जी। तो आप लोग कॉपी पर उतारते चलिए। अब देखो 11 क्वेश्चन नंबर 11 का एक, क्वेश्चन नंबर 11 का एक, तो इसमें आपको क्या पुराना है ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये पुराना है। तो देखो अगर हम सी वन सी टू सी थ्री को जोड़ते हैं तो दो दूनी चार, एक क्या होगा पांच, ये तो देखो पांच से यहाँ पर नहीं है तो इसलिए सी वन सी टू सी थ्री को आप नहीं जोड़ सकते हो। अगर हम आर वन आर टू और आर थ्री को जोड़ दे तो यहाँ पर देखो माइनस बी है, यहाँ पर प्लस टू भी करेगा तो टू बी में से एगो भी जाएगा तो प्लस बी हो जाएगा ना, और माइनस सी है तो टू सी जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा सी, तो देखो ये पुड़ जाएगा मान के पुड़ेगा तो इसलिए आप कैसे अप्लाई करोगे, तो यहाँ पर जो अप्लाई होगा अप्लाइंग यहाँ पर प्रूफ लिख दो, अप्लाइंग कैसे होगा आर वन टेंस टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, यानी इसको 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 जोड़ देंगे, इसको 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 जोड़ देंगे, इसको 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 जोड़ देंगे, रखेंगे मान कहाँ तो आर वन में, अप्लाई किस में कर रहे हैं आर वन में, तो देखो इसको 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 जोड़ो तो क्या बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, इसमें इसको जोड़ो इसको जोड़ो तो देखो यहाँ पर प्लस बी है तो प्लस बी हो गया ना जी। अब देखो यहाँ पर माइनस ए है दो ए में से, देखो दो ए में से घट जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस ए माइनस सी है तो दो सी में से सी घटेगा तो क्या होगा प्लस सी, तो उसी प्रकार से इसको इसको जोड़ो तो क्या बचेगा ए प्लस बी प्लस क्या होगा सी होगा, ए प्लस बी प्लस क्या होगा सी। अब देखो ए टू बी है तो यहाँ पर टू बी उतर गया, ई टू सी है तो यहाँ पर टू सी हो गया, ये मान यहाँ पर है तो यहाँ पर हो गया, ये टू सी है तो यहाँ पर क्या हो गया टू सी, टू बी है तो यहाँ पर क्या हो गया टू बी, सी माइनस ए माइनस बी तो सी माइनस ए माइनस क्या हो गया बी, ये उतर गया ना जी। उतरने के पश्चात देखो तो ए प्लस बी प्लस सी आर वन सभी में है ना जी, आर वन में से क्या कॉमन आ सकता है ए प्लस बी प्लस सी, क्यों यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है ए प्लस बी प्लस सी, तो आर वन से यहाँ पर लिख देगा आर वन से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने पर कॉमन लेने पर, अब देखो कॉमन लिए तो यहां से निकल जाएगा ए प्लस बी प्लस सी तो क्या बचेगा यहाँ पर एक बचेगा, यहां से निकल गया क्या बचा एक, यहां से निकल गया क्या बचा एक। अब देखो ये सब एलिमेंट में कोई परिवर्तन नहीं है ना किए हैं आर वो आर टू और आर थ्री में, ये एलिमेंट को हो वो यहाँ पर उतार देगा, उतार दिए ना जी। अब देखो दो गो मान को तीन को एक है तो दो गो मान को जीरो करना है, इसको इसको जीरो करना है, इसमें से इसको घटा दोगे इसमें से इसको घटा देंगे घटा दोगे, तो देखो किसमें इसमें से इसको घटा रहे हैं तो सी वन में हम परिवर्तन कर रहे हैं और किसमें परिवर्तन कर रहे हैं सी टू, तो एक में से एक गया, देखो कैसे परिवर्तन हुआ है अप्लाई हुआ है यहाँ पर अप्लाई लिख देंगे अप्लाइंग, तो देखो सी वन टेंस टू सी वन माइनस क्या हो गया सी टू, यानी वन में से वन गया क्या बचा वन में से वन गया जीरो, जीरो हो गया ना। अब देखो टू बी में से ये घट जाएगा ना जी, तो टू बी अब माइनस यहाँ पर क्या होगा बी, बी प्लस हो जाएगा ई क्या हो जाएगा ए, तो देखो दो बी में से वो बी घटेगा तो क्या बचेगा ये वो भी, इसमें माइनस होकर के क्या यहाँ पर हो गया ए प्लस बी प्लस सी, और टू सी में से टू सी गया क्या हो गया जीरो, अब एक में से एक घटा तो क्या हो गया जीरो, बी माइनस सी और माइनस ए है ये टू भी घटेगा ना जी, तो क्या हो जाएगा माइनस टू भी क्या हो जाएगा माइनस टू भी, तो बी में से टू भी घटेगा तो क्या होगा बी में से टू भी घटेगा क्या होगा बी में से
टू बी घटेगा तो क्या होगा, प्लस बी की माइनस बी? प्लस बी मारेंगे हम, छोटका संख्या में से बड़का संख्या घटेगा तो माइनस नहीं होगा जी, टू बी में से बी घट रहा है, बी में से टू बी घटेगा क्या बचेगा? माइनस बी, तो माइनस बी हो गया ना, तो सब संख्या क्या हो गया निगेटिव ना। अब माइनस हम क्या करेंगे, कॉमन ले लिए तो क्या बचा, ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या हो गया टू बी हो गया ना जी। अब देखो टू सी में से इसको घटाएगा तो ई माइनस सी प्लस ए और माइनस बी, माइनस क्या होगा प्लस प्लस जी। तो देखो इसमें माइनस करेंगे तो ई प्लस हो जाएगा और ई प्लस हो जाएगा, तो टू सी में से सी घटा तो क्या बचेगा सी, इसमें माइनस से गुना होगा तो प्लस ए, माइनस से गुना होगा तो क्या होगा प्लस बी। अब देखो वन टू बी और ई मान में कोई परिवर्तन नहीं किया है तो ऐसे नहीं रहेगा जी। अब किसके अनुदिश प्रसरण करे, अच्छा कॉमन भी नहीं आएगा जी। तो देखो इसमें से क्या कॉमन आया जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, किससे सी वन से जी। और देखो ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पर भी है तो सी टू से भी कॉमन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर एगो मान था, एगो मान इससे आया एगो मान इससे आया, तो पावर इस पर क्या हो जाएगा तीन, एगो तो यही है ना जी एक पावर जी, दो गो निकल के इधर से भी ना आया तो दो प्लस एक क्या हो गया तीन, पावर तीन हो गया जी। तो तीन हो गया तो ए प्लस बी प्लस क्या हो गया सी का होल क्यू। अब देखो जीरो यहाँ से निकाल लिए हो ना, क्या बचा एक जीरो, फिर देखो यहाँ पर जीरो बचा माइनस वन, यहाँ पर वन। अब देखो ये वन टू बी और सी ए माइनस क्या हो गया बी एन हुआ। अब यहाँ पर देखो ये वन है इसको लेगा, ये खत्म और ये खत्म, तो वन गुना वन वन गुना वन, और जीरो गुना माइनस एक, तो वन में से जीरो जाएगा तो क्या होगा वन है ना, वन इसमें गुना करेगा तो इतना ही ना होगा, यही प्रूव करना था। दो 11 का दो इसमें है आपको सवाल, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 11 नंबर का जो दो है क्वेश्चन नंबर 11 का दो, ये आप सवाल को पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिए और उसके बाद देखिए आपको सिद्ध क्या करना है। तो यहाँ पर आपको सिद्ध करना है 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यू, ये सिद्ध करना है। ये क्या करना है सिद्ध करना है। तो देखो ये सिद्ध कैसे होगा, तो हम इस प्रकार से करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड न है जी। तो देखो अगर हम r1 r2 r3 को जोड़ देते हैं तो दो जेड एक जेड तीन जेड फिर एक जेड जोड़ेगा चार जेड, तो चार जेड की जरूरी है तो ऐसे हम नहीं घिर सकते हैं। इसको बोले मोड़ दीजिए तब अच्छा रहे, ठीक है रहने दो। अब देखो तो हम किसके अनुदिश जोड़ सकते हैं, सी वन सी टू और सी थ्री को जोड़ सकते हैं, तो x और x को जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा 2x होगा ना जी, 2x हो गया। फिर देखो अब क्या करना है, इसको 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 जोड़ना है, तो जेड जोड़ जेड क्या हो गया 2z हो गया ना जी, वाई जोड़ वाई क्या हो गया 2y हो गया ना। अब देखो ये 2x तो है ये है, फिर देखो जेड और जेड को जोड़ेगा क्या होगा 2z, x और x जुटा क्या हो गया 2x, ये 2y है ये ना है। अब परिवर्तन किस में हुआ था C1 में ना, तो देखो प्रूफ न किए थे तो यहाँ पर प्रूफ लिख देना है, प्रूफ समझ गया ना LHS ये चीज लिख देगा। अब देखो तो ये जो सेम मान ये तीनों में है ना जी, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है ये यहाँ पर भी है, यानी 2x प्लस 2y प्लस 2z ये तीनों में है, तो कॉमन निकल के आ जाएगा जी। तो कॉमन हम निकाल लेते हैं किसमें से, R1 में से निकालेंगे कि C1 में से, C1 में से, तो ये पूरा मान C1 हुआ, तो यहाँ से ये पूरा मान निकालेगा एक हुआ जी, यहाँ से मान निकाला क्या हुआ एक, ये मान निकला क्या बचा एक,
बच गया ना जी। अब ये सब तो जो मान है, ईमान यहाँ पर सेमेन रह गया जी। ईमान यहाँ पर क्या रह गया? सेम ही रह गया। तो अब देखो आर वन, अब यहाँ पर जीरो पुराओ और यहाँ पर क्या करोगे? जीरो पुरा दो। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो एक में से एक घटेगा, यानी आर वन माइनस आर टू। तो आर वन में हम चेंजिंग करेंगे कैसे? आर वन माइनस आर टू के रूप में, और आर टू में कैसे चेंजिंग करेंगे? आर टू माइनस आर थ्री। तो वन में से वन घटा, क्या हुआ? जीरो हुआ ना। अब देखो एक्स में से ई घटेगा, एक्स में से ये संख्या घटेगा, तो ई माइनस वाई हो जाएगा, माइनस जेड हो जाएगा, माइनस टू एक्स हो जाएगा। तो एक्स में से टू एक्स घटेगा, क्या होगा? माइनस एक्स। तो माइनस एक्स माइनस वाई माइनस क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा ना जी। नहीं होता तुम लोग घटा लो, एक्स में से इस संख्या को घटाओ ना, माइनस से सब में लगेगा जी। तो माइनस सब संख्या होगा, माइनस कॉमन ले लेगा, तो एक्स प्लस वाई प्लस क्या हो जाएगा? जेड। फिर देखो वाई में से वाई घटा, क्या बचा? जीरो। अब इस वन में से इस वन को देखो, आर टू में कैसे परिवर्तन हो रहा है? आर टू माइनस आर थ्री, यानी आर टू में से क्या घट रहा है? आर थ्री। देखो आर टू में कैसे परिवर्तन हो रहा है? आर टू माइनस आर थ्री, यानी इसमें से ये मान घट रहा है। तो वन में से वन घटा, क्या हुआ? जीरो। और देखो ये पूरे मान में से एक्स घटेगा, तो माइनस एक्स हो जाएगा यहाँ पर, दो एक्स में से एक्स गया, क्या गो एक्स बचेगा? ये गो एक्स प्लस वाई प्लस क्या हो गया? जेड। ये एक्स हो गया ना जी। और वाई में से वाई घटा, क्या हुआ? जीरो। अब देखो वाई में से ये पूरे मान, तो माइनस जेड होगा, माइनस एक्स होगा, और माइनस क्या होगा? टू वाई होगा ना। तो माइनस जेड माइनस एक्स और माइनस क्या हो गया? वाई। माइनस कॉमन ले लेगा, तो एक्स प्लस वाई प्लस क्या हो गया? जेड हो गया। वन हो गया, ई एक्स हो गया, और ये मान यहाँ पर उतर गया कि नहीं उतर गया? तो वन ऐसे किया, ई खत्म और ये खत्म। अब देखो या वैसे ले लो आर वन में से एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ जाएगा ना जी। जीरो में तो सब चीज गुना एकदम कॉमन ही रहता है जी सर। तो इसमें से देखो आर वन में से एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लिए, कॉमन ले लिए, और आर टू में से एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लिए। तो एगो मान इससे निकला, एगो मान इससे निकला, एगो मान है ये है। तो दो एक कितना मान हो गया? तीन। तो पावर क्या कर दोगे? तीन। यही ना प्रूफ करना है जी। हो गया, यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया जी सर। अब आप क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 को देख सकते हैं इस प्रकार से, वन माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर क्या करना है? प्रूफ करना है। ये आपका क्वेश्चन रहा, यहाँ पर क्या लिखोगे? देखो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, प्रूफ लिख दिए ना। लिखने के पश्चात देखो अब क्या करेंगे कि आपको पुराना क्या है, अच्छा सवाल में आपको यहाँ पर एक्स स्क्वायर ही है, एक्स स्क्वायर ही है, लेकिन एक्स क्यू है, क्या है? एक्स क्यू है। अगर इसमें एक्स गुना कर देते हैं तो एक्स क्यू नहीं हो जाएगा जी। तो देखो ये क्या हो गया आपका, ये जो मान हुआ ये आपका क्या हुआ? सी थ्री। ये सी थ्री हुआ। तो आप क्या अप्लाई कर रहे हो? अप्लाइंग क्या कर रहे हो? यानी सी थ्री में जो है हम किससे गुना कर रहे हैं? एक्स से गुना कर रहे हैं। देखो गुना तो कर रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा? भाग भी देना पड़ेगा। अब यहाँ पर वन एक्स स्क्वायर एक्स है, यहाँ पर एक्स लिख दो। अब देखो सी थ्री में कर रहे हैं, तो सब एलिमेंट सी वन सी टू ऐसे उतर जाएगा, एक्स वन एक्स हो गया ना। अब देखो इसमें एक्स से गुना करेंगे क्या होगा? एक्स क्यू। इसमें एक्स से गुना करेंगे क्या होगा? एक्स स्क्वायर। इसमें एक्स से गुना करोगे क्या होगा? एक्स होगा ना। अब देखो पुराना क्या है, वन माइनस एक्स क्यू, यानी इसमें से इसको घटा दो, क्या अप्लाई करोगे बोलो? अप्लाइंग क्या करोगे? सी वन टेंस टू सी वन माइनस सी थ्री, सी टू नहीं, सी टू करेंगे तो वन माइनस एक्स हो जाएगा, वन माइनस एक्स थोड़े पुराना है, वन माइनस एक्स क्यू करना है,
इसमें से इसको घटाना है, तो 1 बाय एक्स, 1 में से एक्स क्यू घटेगा तो 1 माइनस क्या होगा एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटेगा क्या हो जाएगा जीरो, एक्स में से एक्स घटेगा क्या हो जाएगा जीरो हो गया ना। इस सब एलिमेंट में तो कुछ होने नहीं किए हैं, तो ऐसे उतार दो एक्स वन एक्स एक्स क्यू एक्स स्क्वायर और एक्स, ये हो गया ना। फिर देखो तो यहां पर आपको करना क्या है, एक्स तीनों में है तो सी थ्री से एक्स को मना सकता है जी सर, आएगा ना। तो यहाँ पर 1 बाय एक्स है, ये है, इससे हम एक्स निकाल लिए, क्या निकाल लिए हैं एक्स। अब देखो ये तो ऐसे न है, तो ऐसे रहने ही देना है, 1 माइनस एक्स क्यू जीरो जीरो, एक्स वन एक्स हो गया। उसके बाद देखो इसमें से एक्स निकाल लिए है ना, एक्स स्क्वायर एक्स और यहाँ पर क्या बचा वन, एक्स और एक्स क्या हो गया खत्म। अब देखो वन माइनस एक्स क्यू है ना जी, तो इसके अनुदिश हम क्या कर देते हैं एक्सपेंडिंग कर देते हैं, प्रसरण कर देते हैं, तो इसके अनुदिश एक्सपेंडिंग करेंगे तो ये दूगो जीरो का काम नहीं करना पड़ेगा, ई खत्म हो गया ना, ई खत्म, तो यानी वन माइनस एक्स क्यू हो गया ना, तो ये खत्म और ये खत्म, तो वन गुना वन क्या हो गया वन हो गया ना, वन हो गया। अब उसके बाद देखो यहां पर एक चीज, तो यहाँ पर आप लोग एक चीज और सुधार लीजिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा, बुक में मिसप्रिंटिंग था इसलिए यहाँ पर छूट गया था, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है। तो अब आपको करना क्या है, देखिए ये लिए ये खत्म ये खत्म, वन गुना वन वन हो गया, एक्स स्क्वायर गुना एक्स क्या हो गया एक्स क्यू, तो देखो वन माइनस एक्स क्यू इंटू वन माइनस एक्स क्यू, तो वन माइनस एक्स क्यू का क्या होगा होल स्क्वायर, तो यही ना प्रूव करना था जी। तो हो गया ना प्रूव्ड, यही प्रूव क्वेश्चन नंबर 13 और ये आपका सिद्ध करने वाला रहा, यही आपको सिद्ध करना है, इस सारणिक से इतना मान आपको प्राप्त करना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे प्रूव, ऐसे लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए सवाल को समझ जाएंगे LHS, अब इसमें आप अप्लाई क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर है तो इसमें बी से गुना करके इसमें अगर जोड़ देंगे तो यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए क्या अप्लाई करना है, अप्लाइंग करना है आर वन टेंस टू आर वन प्लस बी आर टू, बी आर टू ये अप्लाई करना है। तो देखो ये हो ये गया, अब क्या कर रहे हैं आर वन में परिवर्तन हो रहा है, यानी ऊपर वाले सभी एलिमेंट में क्या होगा परिवर्तन, वन होगा ए स्क्वायर होगा और जोड़ क्या होगा बी स्क्वायर, क्यों होगा क्योंकि इसमें बी गुना करेंगे तो टू बी स्क्वायर हो गया ना, और माइनस बी स्क्वायर में टू बी स्क्वायर जोड़ेंगे तो क्या होगा प्लस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर टू ए बी है, टू ए बी इसमें बी गुना कर दिए, इसमें क्या किए अच्छा यहाँ पर आप आर थ्री कर दो, यहाँ पर क्या करना है आर थ्री, क्योंकि ये जो मान है आर थ्री का है ना, इसमें न कर रहे हैं। अब देखो ये टू ए बी है, यहाँ पर बी गुना हो जाएगा तो टू ए बी माइनस टू ए बी क्या हो जाएगा जीरो जीरो। अब ये देखो ये माइनस क्या है टू बी, माइनस क्या है टू बी, इसमें क्या जोड़ दोगे ये गुना कर दोगे बी ना जी। तो यहाँ पर ये माइनस टू बी हो गया, बी से गुना करो इसमें तो बी गुना एक क्या हो गया बी। अब देखो बी को इसमें गुना करो तो माइनस बी ए स्क्वायर बी से इसमें गुना होगा तो माइनस क्या हो गया बी क्यू हो गया ना जी।
टू ए बी, आप देखो ई एलिमेंट एलिमेंट में कोई परिवर्तन नहीं है ना, है तो इसे इनको लिख लो। एलिमेंट फॉर्म लिख लिए, लिखने के पश्चात अब देखो माइनस टू बी में बी जोड़ेगा क्या बचेगा, माइनस बी, माइनस टू बी में बी जोड़ेगा क्या बचेगा, माइनस बी कॉमन ले लो क्या बचेगा, वन वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। अब टू ए बी यहाँ पर क्या हुआ, टू बी, अब यहाँ पर देखो वन माइनस ए स्क्वायर प्लस क्या हो गया बी स्क्वायर, माइनस क्या हो गया टू ए, ये टू ए वन माइनस ए स्क्वायर माइनस क्या हो गया बी स्क्वायर, ये हो गया ना। अब देखो ये ऊपर में है, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर में है, यहाँ पर भी है, जीरो में तो होता ही है नहीं, कुछ सभी संख्या गुना होता है। देखो वन प्लस ए स्क्वायर प्लस क्या हो गया बी स्क्वायर, निकाल लिए तो यहाँ से निकल गया क्या बचा, एक, जीरो में से निकल गया क्या बचा, जीरो ही है ना, ई निकल गया क्या बचा माइनस बी, ये यहाँ पर क्या होगा टू ए बी, फिर ये क्या हो गया आपका टू बी, फिर वन माइनस ए स्क्वायर जोड़ क्या हो गया बी स्क्वायर, माइनस क्या हो गया टू ए, फिर क्या हो गया टू ए वन माइनस ए स्क्वायर माइनस क्या हो गया बी स्क्वायर, ये हो गया। हम कॉमन निकाल लिए हैं तो ये वन बचा, और उसके बाद ये यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम आर टू में क्रिया करेंगे, इसमें आर टू हो गया, ये हो गया आपका आर टू। आर टू में कैसे कर रहे हैं, तो आर टू में से माइनस ए आर थ्री कर रहे हैं, तो ये आर टू है ना, तो यहाँ पर ए है टू ए बी है, तो यहाँ पर ए नहीं है, इसमें ए गुना कर देंगे ताकि टू ए बी माइनस टू ए बी हो जाए तो जीरो हो जाए, तो इसमें ए गुना करेंगे, तो आर टू माइनस ए आर थ्री कर रहे हैं, तो टू ए बी माइनस क्या हो जाएगा टू ए बी। तो देखिए किस में कर रहे हैं, आर टू में, तो टू ए बी माइनस टू ए बी होगा तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा। अब देखिए ये वन माइनस ए स्क्वायर प्लस क्या है बी स्क्वायर, तो ये देखिए तो यहाँ पर है ये है ना, ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस कर देगा, क्योंकि माइनस माइनस ए आर थ्री हो रहा है, तो माइनस ए से इसमें माइनस ए से गुना करेंगे तो प्लस टू ए स्क्वायर होगा, तो इसमें प्लस टू ए स्क्वायर होगा, तो टू ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर जाएगा, तो वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर होगा। अब देखिए इसमें एन गुना ये इस प्रकार से होगा, और यहाँ पर टू बी माइनस टू ए, और ये यहाँ पर होगा ही, तो देखिए वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इसमें से कॉमन निकल जाएगा, इस पर होल स्क्वायर हो गया, ये वन हुआ है, ये जीरो हुआ है, ये टू बी यहाँ पर हुआ, और यहाँ से निकल गया तो वन हुआ, ये जीरो हुआ, और ये माइनस टू ए यहाँ पर हो गया। उसके पश्चात देखिए ये माइनस बी हो गया, यहाँ से निकल गया तो सिर्फ ए बचा, और यहाँ से देखिए ये संख्या यहाँ पर हुआ ही। अब आपको करना क्या है, ये होल स्क्वायर यहाँ पर ये लिख देना है। अब देखिए ये इसके अनुदिश हम क्या करेंगे, प्रसरण करेंगे, वन लेंगे तो ये खत्म ये खत्म, एक से इसमें गुना करेंगे तो इतना होगा। अब देखिए यहाँ सूत्र से क्या होता है, माइनस होता है तो माइनस टू ए गुना ए, तो टू ए स्क्वायर हो गया, अब माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, ई बी माइनस में तो यहाँ पर माइनस बी हो गया, ये खत्म और ये खत्म, जीरो से इससे गुना करेंगे जीरो हो गया, टू बी को इससे गुना करेंगे ये टू बी हो गया। करने के पश्चात ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे उतार देंगे, अब एक को इसमें गुना कर देंगे इतना होगा, ये प्लस हो गया, अब टू ए स्क्वायर हो गया, अब देखिए माइनस बी गुना टू बी तो प्लस टू बी स्क्वायर हो गया। होने के पश्चात यहाँ पर आप देख सकते हैं वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या है, होल स्क्वायर यहाँ पर हो गया, इसको वो उतार देंगे। अब यहाँ पर देखिए टू ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर गया, ए स्क्वायर बचा, टू बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर गया, यहाँ पर बी स्क्वायर बचा। उसके पश्चात देखिए ये दो गो मान है, एक मान इस पर है, तो दो एक क्या हो गया तीन, इस प्रकार से ये प्रूव्ड हो गया। चौदह को देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर चौदह है कि ए स्क्वायर प्लस वन, इनको आप पढ़ सकते हैं।
और आपको सिद्ध करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। तो देखिए ये कैसे पड़ेगा, तो यहाँ पर हम क्या किए कि ए जो है आर वन में गुना कर दिए, बी आर टू में गुना कर दिए, सी आर थ्री में गुना कर दिए, यहाँ पर हमने कर दिया है। इसमें ए गुना कर दिए, इसमें बी गुना कर दिए, इसमें सी गुना कर दिए। करने के पश्चात अब देखिए गुना किए हैं ए बी सी, तो ए बी सी से हमको क्या करना होगा, भाग भी देना होगा। तो देखिए ए से इसमें गुना हो गया, यहाँ पर ए था तो क्या हो गया ए स्क्वायर, सिर्फ ए था तो ए स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसमें से ए, इसमें से यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है, इसमें से बी और इसमें से सी कॉमन ले लिए, ये यहाँ पर देख सकते हैं। तो ए बी सी पहले था ही, ए बी सी कॉमन ले लिए, तो ये मान और ये मान क्या हो गया, कट गया। कटने के पश्चात आपको क्या रिलीज हुआ, तो ए स्क्वायर प्लस वन बचा, ये निकल ये चुका, ये मान बचा, ये निकल गया बी स्क्वायर बचा, ये निकल गया क्या बचा सी स्क्वायर, इसमें से बी निकल गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वन, ये इस प्रकार से बचा। और सी इसमें से निकालेंगे ए स्क्वायर, इसमें से निकाले बी स्क्वायर, इसमें से निकाले सी स्क्वायर प्लस वन बचा। अब हमको पुराना है वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो हम क्या किए आर वन, ये आर वन में अप्लाई किए हैं आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, तो इनको जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर जो अप्लाई किए हैं तो इसके अनुसार आपको क्या होगा, ये वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हुआ, यहाँ पर भी हुआ और यहाँ पर भी हुआ, इस सबको जोड़ दिए, इनको भी सबको जोड़ दिए, तो इसी प्रकार से हुआ। अब यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी सेम चीज है, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इनको हम कॉमन ले लेंगे। देखिए यहाँ पर हम कॉमन ले लिए, लेने के पश्चात देखिए यहाँ से निकल गया तो एक बचा, यहाँ से निकल गया तो एक बचा, यहाँ से निकल गया तो एक बचा, रेस्ट जो ये है तो यहाँ पर रहेगा ही। अब देखिए वन में से वन को घटाएंगे, यहाँ पर जीरो करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे जीरो करेंगे, तो यूजिंग हम देखिए क्या किए हैं, तो यूजिंग में आप देख सकते हैं कि यूजिंग सी वन टेंस टू सी वन माइनस सी टू किए हैं, यानी इसमें से एक में से एक को घटाए, फिर इसमें से इसको घटाए, इसमें से इसको घटाए, इसमें से इसको, इसमें से इसको, इसमें से इसको घटाए, देखिए सी टू में भी किए हैं और सी थ्री में कोई परिवर्तन नहीं किए हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं तो इस प्रकार से क्रिया करने के पश्चात देखिए यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर एक होगा और यहाँ पर माइनस एक, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर देख सकते हैं इतना हुआ। होने के पश्चात देखिए यहाँ पर भी जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है, तो इसके अनुदिश हम प्रसरण करेंगे, तो इसका एक ही एलिमेंट एक है, तो ये इधर खत्म हो गया, ये इधर खत्म हो गया, तो माइनस एक गुना माइनस एक क्या हो गया प्लस एक, प्लस एक जीरो गुना एक जीरो हो गया, एक में से जीरो घटेगा एक ही होगा, एक इसमें गुना होगा तो इतना ही मान होगा, ये प्रूव्ड हो चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा है कि यदि यहाँ पर आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट के ए का मान होगा, तो देखिए ऑर्डर क्या है तीन गुना तीन है, तो इसलिए के जो निकलेगा तो इस पर पावर क्या हो जाएगा तीन, अगर चार गुना चार रहेगा तो यहाँ पर चार दे देंगे, अगर एन एलिमेंट रहेगा तो यहाँ पर एन हो जाएगा, दो गुना दो रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दो, तो के को निकालेंगे तो इस प्रकार से होगा, तो 15 का सही ऑप्शन क्या होगा सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो सारणी के एक वर्ग आवयु है, तो ये भी गलत है क्योंकि वर्ग आवयु से संबंध एक संख्या है। अब कह रहा है कि सारणी के एक आवयु से संबंध एक संख्या है, तो देखिए वर्ग नहीं है सिर्फ आवयु है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन बी भी नहीं होगा, सी है कि सारणी के एक वर्ग आवयु से संबंध एक संख्या है, तो ये ऑप्शन सी इनका सही हुआ, ऑप्शन सी, तो 16 का सही ऑप्शन आपको होगा सी।